उत्तर मध्य रेलवे द्वारा प्रयागराज मंडल के अंतर्गत प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर नवस्थापित ई चार्टिंग प्रणाली, नवस्थापित स्वचालित प्रणाली व नवस्थापित लिफ्ट का लोकार्पण प्रयागराज की सांसद डॉ रीता बहुगुणा जोशी और सांसद केसरी देवी पटेल द्वारा किया गया। डॉ रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि आने वाले समय में हमारे देश के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे और उनमें सभी सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी मिलेंगी। इस मौके पर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि जल्द ही प्रयागराज से लखनऊ के लिए शताब्दी ट्रेन शुरू की जाएगी और सभी स्टेशनों पर साफ सफाई के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। सांसदों ने इस मौके पर रेलवे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। मैंने और केसी देवी पटेल जी, हम दोनों सांसदों ने मिलकर एक और सुविधा, विस्तृत सुविधा प्रयागराज के जंक्शन को प्रदान की है, जिसमें कि एक एस्केलेटर, एक लिफ्ट और एक ई चार्टिंग का सिस्टम लिया गया है। आपको मालूम है ई चार्टिंग से बहुत लाभ होगा लोगों को। पहले हम लोगों को कागज में नाम ढूंढने पड़ते थे और जो थोड़ी उम्र दराज लोग थे उनकी आंखें भी पढ़ नहीं पाती थी। अब ई चार्ट में कलर्ड है, अगर ग्रीन है तो आप रिजर्व्ड हैं, अगर रेड है तो आप वेटिंग में हैं। तो ई चार्टिंग की सुविधा बहुत अच्छी हो गई, मैकेनिकल हो गई, डिजिटाइजेशन की ओर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। पूरे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स पे 40 ऐसे ई चार्ट्स लगाए गए हैं, एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई गई है। एस्केलेटर, लिफ्ट और ई चार्टिंग जो दीदी ने बताया अभी, इसकी आवश्यकता थी जो पूरी हुई। हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं कि हमारे इस प्रयागराज के जंक्शनों में तरह तरह की टेक्निकल तमाम सुविधाएं दे करके पब्लिक की तमाम परेशानियों को दूर कर रहे हैं और उसे आगे ला रहे हैं।